बच्चों दी गई सरगर्मी से आप ये जान ही चुके हैं कि सूरज निकलने से कुछ देर पहले आसमान के रंग में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां होती है और सूरज डूबने के बाद भी देर तक आसमान में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां होती रहती है। बच्चों आए अब हम ये जानते हैं कि सूरज की वजह से चीजों का साया किस तरह तब्दील होता है। इसके लिए आप इस तजुर्बे को बगौर देखें। अजीज तलबा आपके सामने एक तजर्बा पेश किया जा रहा है, इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए और नतीजा अख्ज कीजिए। देखिए ये मशरिक की समत है और ये मगरिब की समत है। ये दरमियान में कोई चीज रखी है। जब मशरिक से सूरज तुलू होता है तो देखे इसका साया किस कदर लंबा होता है और जैसे जैसे सूरज सिर पर आता जाता है यानी मगरिब की सिमत सफर करता है तो सूरज सर पर आने तक साया छोटा होता जाता है। इसके बाद सूरज जैसे जैसे मगरिब की सम्त झुकता है जाता है तो इस चीज का साया मशरिक की सम्त लंबा होता चला जाता है। बच्चों इस तजुर्बे से आप जान ही चुके हैं कि सूरज के तुलू होने से गुरूब होने तक साये में किस तरह मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां हुई। प्यारे बच्चों इस तजुर्बे की तरह आप भी रोजमर्रा जिंदगी में साये का मुशाहिदा कर सकते हैं।